नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और मैं हूं साक्षी बत्रा। आप देख रहे हैं एक और खास एडिशन मिड कैप बाजार का। आज के इस खास एडिशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे। हमारे साथ मिस्टर विवेक गुप्ता होंगे जो कि टेक्निकली आपकी सभी क्वेरीज को रिजोल्व करेंगे। आप भी हमारे साथ अगले आधे घंटे के दौरान जुड़ सकते हैं। इस शो के जरिए आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसे रिव्यू कर सकते हैं, शेयर्स के बारे में कोई भी कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो तुरंत ही कॉल कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है 1-800-1803545 पर कॉल करके अपना सवाल पूछें। अल्टरनेट नंबर भी आपको दिया जा रहा है, साथ ही आपको व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए भी हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। इन माध्यमों के जरिए अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। फटाफट से इस वक्त देख लेते हैं कि मार्केट्स का क्या हाल है। इस वक्त थोड़ा प्रेशर में मार्केट्स ठीक आरबीआई पॉलिसी से पहले नजर आ रहे हैं। 10,100 के लेवल्स के नीचे अब निफ्टी फिसल चुका है और फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन के साथ सेंसेक्स भी इस वक्त कामकाज कर रहा है। करीब 42 पॉइंट्स की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप का हाल इस वक्त देखें तो फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन के साथ यहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ और मिड कैप गेनर्स और स्मॉल कैप गेनर्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। ये मिड कैप में चढ़ने वाले कुछ शेयर्स हैं आपके स्क्रीन पर। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस वक्त निफ्टी को जो सपोर्ट करने वाले इंडेक्स है उसमें रियल्टी सबसे आगे कामकाज कर रहा है। ये गिरने वाले इंडेक्स है आपके सामने। ये मिड कैप के गिरने वाले शेयर्स में आप देख सकते हैं वॉकहार्ट, कोलगेट और मैरिको जैसे शेयर्स इस वक्त प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं। ये नतीजों का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर नतीजों के बाद आप देख सकते हैं इमामी में करीब 1% तक की तेजी है। इगराशी मोटर्स मजबूत है, इंडलवाइज भी मजबूत है, लेकिन वॉकहार्ट में इस वक्त 2.25% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। पूजा बताइए और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आज बाजार पर नजर टिकी हुई है। जी, फर्टिलाइजर शेयरों में आज उछाल है। देखिए तमाम फर्टिलाइजर शेयर्स, आरसीएफ का शेयर देखिए 11% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और फर्टिलाइजर शेयर्स भी आज तेजी में है। मद्रास फर्टिलाइजर्स, नागार्जुना, चंबल फर्टिलाइजर्स, ये सभी शेयर्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इसके अलावा चीनी शेयरों में भी आज अच्छी तेजी है। देखिए रेणुका शुगर करीब 6% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। बलरामपुर चीनी, डालमिया भारत, द्वारिकेश शुगर्स, इन सभी शेयर आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे मिड कैप स्पेस हैं जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली, चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। आज के पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिल्ली से राजेंद्र जी ने हमें कॉल किया है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, गुड आफ्टरनून टू यू राजेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास 100 शेयर है जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, 170 पर खरीदे हैं आपने। बहुत देर हो गए हैं, पहले भी इसको सब रिकमेंड करते थे, अच्छा शेयर है, अच्छा शेयर है। और एक मेरे पास अक्ष ऑप्टी फाइबर है। अक्ष ऑप्टी फाइबर यहाँ पर किस भाव पर निवेश किया है? 3,000 शेयर है मेरे पास, 26 रुपए के हिसाब से 26। और यहाँ पर भी लंबी अवधि का ही नजरिया आप रखते हैं? नहीं, काफी दिन से रखा हुआ है, आगे रख भी सकता हूँ। तो अभी 27 रुपए के आसपास तो आ गया है। पूछ लेते हैं एक बार एक्सपर्ट से कि कब आप यहाँ पर मुनाफा समेट सकते हैं या फिर रुके रहें तो टेक्निकल पैटर्न कैसा लगता है। हमारे साथ विवेक गुप्ता मौजूद हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू विवेक। अभी कैसे रिजोल्व करेंगे इनकी क्वेरी को? पीएफसी जहां पर ये काफी समय से बने हैं, 170 की खरीद है, यहां पर क्या कर सकते हैं और अक्ष ऑप्टी फाइबर पर आपकी क्या राय होगी? साक्षी, पहले मैं अक्स ऑप्टी फाइबर के बारे में बताना चाहूंगा। मुझे लगता है अक्स ऑप्टी फाइबर ओवरऑल एक काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न में है। हालांकि इसने समय काफी लिया है, लेकिन ये अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है जो कि 25.50 रुपए का था और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब अगर 31 रुपए के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो मुझे लगता है ऊपर में 44 से लेकर 45 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपना होल्डिंग नजरिया थोड़ा बढ़ाएं, 5 से 6 महीने का एटलीस्ट नजरिया रखें, इन्हें इस स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जहां तक पीएफसी का सवाल है, पीएफसी एक ओवरऑल काफी डाउन ट्रेंड में था। 170-180 जो इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स रहे हैं हिस्टोरिकली, वहीं से रेजिस्टेंस लेके ये अभी नीचे आया है। मुझे लगता है अब ये सपोर्ट जोन के आसपास है। 116 से लेकर 127 का जो बैंड है वो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक बैंड है। मुझे लगता है यहाँ से इस स्टॉक में बाउंस बैक आ सकता है। तो फिलहाल पीएफसी में अपनी पोजिशन में बने रहें, नीचे में 102 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो पीएफसी में 102 का स्टॉप लॉस लगाइए और अक्ष ऑप्टी फाइबर को भी होल्ड करिए। यहाँ पर भी करीब 45-47 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली से ही हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं। पुनीत जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरे पास रोल्टा इंडिया के शेयर्स हैं, 2200 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 60.20 रुपीज। ये कब लिया है आपने? आज ही की खरीद है क्या आपकी? ये मैंने कल लिया था, लाइक रजत रिकमेंडेड, लाइक बीटीएससी कॉल, सो आई वांट टू बी ऑन। अच्छा, ओके, तो कब तक बने रह सकते हैं? अब अगले 2-3 दिन के लिए और बने रह सकते हैं आप?
चलिए राय ले लेते हैं विवेक, इनके पास रोल्टा इंडिया के शेयर्स हैं, कल ही इन्होंने लिया इनफैक्ट, और 2200 शेयर्स लिए हैं, इस वक्त हल्का नुकसान इनको यहाँ हो रहा है, लेकिन क्या करें, अभी इस लेवल पर बने रहें या एग्जिट कर लें स्टॉक से? देखिए रोल्टा का अगर शॉर्ट टर्म पैटर्न देखें तो 53 से लेकर 66 का एक स्ट्रेट रैली आया था, उसके बाद ये सपोर्ट लिया है 56 के आसपास, मुझे लगता है इन्हें इसमें बने रहना चाहिए, 56.90 के स्टॉप लॉस साथ बने रहें, ऊपर में ये रैली फिर से कंटिन्यू हो सकती है और स्टॉक 63 से लेकर 64 तक के लेवल्स दिखा सकता है, फिर से वहां पे ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और दर्शक है हमारे साथ लखनऊ से, अविनाश ने हमें कॉल किया है, नमस्कार अविनाश, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? अविनाश क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए फटाफट से इनका सवाल ले लेते हैं, आवाज इन तक नहीं पहुंच रही है। एफडीसी के शेयर्स हैं इनके पास, फार्मा की कंपनी है, 250 शेयर्स हैं इनके पास, 181 की खरीद है फिलहाल, अगर देखा जाए 178 पर अभी ये शेयर चल रहा है। विवेक आप कैसे देखते हैं इसको, खासतौर पर बहुत इंकरेजिंग चार्ट पैटर्न तो नहीं दिख रहा अगर हम 6 महीने या 1 साल का देखें तो, क्योंकि नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में ही रहा है, अभी आगे जाते हुए क्या रिकवरी की होप्स है? टेक्निकली देखें तो मुझे रिकवरी के चांसेस काफी वीक लग रहे हैं, इनफैक्ट काफी हाई चांसेस है कि स्टॉक 170 से लेकर 165 की रेंज भी टेस्ट करे, अभी इनके कॉस्ट के आसपास ही है, मैं ये कहूंगा कि 177 का एक फाइनल स्टॉप लॉस लगाएं, ओवरऑल ₹3 का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर 177 का लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक से निकल जाने में समझदारी है। चलिए दिल्ली से ही हमारे साथ लगातार दर्शकों के मैसेज भी आ रहे हैं, एक मैसेज हमें आया है, अमित जी ने हमें मैसेज किया है और इनका सवाल अशोक लीलैंड पर है, 1000 शेयर्स इन्होंने लिए हैं, 107 के भाव पर इनकी खरीद थी और हल्का मुनाफा इनको हो रहा है, टाइमलाइन तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया लेकिन शायद इनकी हाल ही खरीद लग रही है। विवेक क्या राय देंगे अशोक लीलैंड में आप? अशोक लीलैंड मुझे लगता है टेक्निकली काफी बुलिश है, इन्हें बने रहना चाहिए, 98 के ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है जिसका टारगेट एटलीस्ट ₹120 तक बनता है, तो स्टॉक में बने रहे, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए ₹99 का, ₹120 के टारगेट के साथ बने रहे। ठीक है, मुंबई चलते हैं, श्रीपाल हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, श्रीपाल जी नमस्कार, पूछिए। पीएनबी गिल मेरे पास 15,000 शेयर है। ठीक है, किस भाव पर खरीदा आपने पीएनबी गिल? ₹50 खरीदी थे। और कितना नजरिया आप कर रखते हैं यहाँ पर, कब तक के लिए निवेश का सोचा है? 2 साल के लिए। चलिए ठीक है, राय ले लेते हैं एक बारी टेक्निकल एक्सपर्ट से। विवेक पीएनबी गिल्ट की इन्होंने बात की है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स हैं इनके पास, 15,000 क्वांटिटी है, ₹50 पर खरीदारी की है, 54 पर अभी चल रहा है, तो मुनाफे में तो है, क्या करें अभी? मुझे लगता है डेफिनेटली बने रहना चाहिए, इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, 2 साल तक ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है आने वाले टाइम में 75 से लेकर 80 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली बने रहे स्टॉक में। ओके, तो पीएनबी गिल्ड्स में बने रहने की राय होगी। चलिए दिल्ली से हमें मैसेज आया है, दिल्ली से हमें काफी सारे इनफैक्ट आज मैसेज आ रहे हैं, सूर्या जी ने हमें मैसेज किया है और इनका सवाल एक्सिस बैंक पर है, एक्सिस बैंक के इनके पास 250 शेयर्स हैं, 530 की इनकी खरीद थी और हाल ही में अभी नतीजे भी आए हैं बैंक के, तो इनकी जो खरीद थी ये 530 के लेवल की थी और इस वक्त ये स्टॉक 520 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर। विवेक क्या राय देंगे एक्सिस बैंक पर, आप बने रहें अभी स्टॉक में? एक्सिस बैंक में बने रहना चाहिए, 530 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, एक बार उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड किया और मुझे लगता है नीचे में सपोर्ट लेवल्स के आसपास ये सस्टेन हो रहा है, 480 के स्टॉप के साथ स्टॉक में बने रहे, हो सकता है 580 से लेकर 590 के लेवल्स इनको देखने को मिले शॉर्ट टर्म में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको राय भी मिल चुकी है लेकिन रिजल्ट सीजन ऑन है और काफी बड़े नतीजे भी आ रहे हैं, पीएनबी के भी नतीजे आए हैं और इन नतीजों की बारीकियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंक के मैनेजमेंट भी मौजूद हैं, डॉक्टर राम एस संगपुरे हमारे साथ मौजूद हैं, ईडी हैं पीएनबी के, सर बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका, शुक्रिया अपना समय भी हमें देने के लिए। नतीजों पर ही बातचीत शुरुआत करते हैं, खासतौर पर एसेट क्वालिटी को लेकर कुछ कंसर्न्स इस बार की तिमाही में हमने देखे हैं, तो क्या अभी भी FY18 के लिए भी अगर देखा जाए तो ये कंसर्न्स बरकरार अभी रहेंगी या फिर आपको लगता है कि अब ये एंड ऑफ एनपीएज है? या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में एनपीए का एंड कभी होता नहीं है जी, मगर जो फ्रेश लीपेजेस है वो अभी आगे चल के वो कम होने की संभावना है। ओके, रिपीटिंग इट्स वाइब्रेटिंग एक्चुअली,
ऑलराइट मिस्टर संगपुरे, हम ऑडियो का क्वालिटी ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपने पॉइंट बोला कि डेफिनेटली एनपीएस का एंड जरूर नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिकवरी की होप सब बरकरार रहते हुए नजर आ रही है, तो यही सवाल बनता है कि इस बार की तिमाही में क्या कुछ स्लिपेजेस रहे थे? अभी ये जो लास्ट क्वार्टर्स रहा, इसमें 6,200 के आसपास फ्रेश स्लिपेजेस हुए हैं, और ये अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के करस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ, तो इसमें काफी इम्प्रूवमेंट है। पिछले साल करीब 9,000 प्लस करोड़ रुपीस के स्लिपेजेस हुए थे, अभी इस साल इस क्वार्टर में केवल 6,000 प्लस 250 करोड़ के स्लिपेजेस हुए हैं। ये इंडिकेट करता है कि आगे चलकर अभी हमारे स्लिपेजेस पे कंट्रोल आते जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि मार्च 2018 तक स्लिपेजेस काफी कम हो जाएंगे। स्लिपेजेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते कम्प्लीटली, लेकिन उसका परसेंटेज और एब्सोल्यूट अमाउंट कम होता जाएगा। ओके सर, बता सकते हैं इस बार फ्रेश स्लिपेजेस कितने हुए, रिस्ट्रक्चर्ड बुक में से कितने स्लिपेजेस देखने को मिले हैं, और रिकवरी कितनी हुई है इस बार? जो फ्रेश स्लिपेजेस की फिगर मैंने बोला 6,200 प्लस कुछ फिगर है, राउंड फिगर, और उसमें से जो रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड अकाउंट्स थे उसमें जो स्लिपेजेस हुए हैं वो 779 करोड़ रुपीस के हैं। राइट मिस्टर संगपुरे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एनसीएलटी में 12 अकाउंट्स हैं उसमें क्या बैंक का एक्सपोजर है, अगर है तो कितना एक्सपोजर है, क्या ऑलरेडी बैंक ने उन अकाउंट्स के लिए प्रोविजनिंग की है? जो 12 अकाउंट जो हम एनसीएलटी में जा रहे हैं उसमें से 9 अकाउंट्स में हमारा एक्सपोजर है, और ये एक्सपोजर करीब 11,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास अभी नहीं है, और ये जो 11,000 करोड़ का जो एक्सपोजर है इसमें से जो 50% अगर हमें प्रोविजन करनी है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के तहत, तो हमारे लिए एडिशनल केवल 1,000 करोड़ रुपीस का प्रोविजन करना पड़ेगा मार्च 2018 तक। ओके सर, एग्री सेक्टर में इस बार फार्म लोन वेवर की जो बात हो रही है, क्या उससे आपको कुछ कंसर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी सारे स्टेट्स में इस तरह के कदम उठाए गए हैं, तो इससे बैंक के बुक्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आप देखेंगे एग्री पोर्टफोलियो हमारा, जिसमें स्लिपेजेस का अगर परसेंटेज हम देखेंगे एग्री पोर्टफोलियो में से कितने अकाउंट स्लिपेज हो चुके हैं अगर, और इसका कंपेयर हम पिछले साल के करस्पॉन्डिंग पीरियड से करेंगे, तो हमारा ऑलमोस्ट जो स्लिपेजेस परसेंटेज और एब्सोल्यूट अमाउंट है वो स्टैग्नेंट है अगर कंपेयर करेंगे पिछले साल के करस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ। अगर क्यू ओ क्यू में करेंगे तो थोड़ा सा हमारा स्लिपेजेस इस अकाउंट्स में बढ़ गया है, और ये जो वेवर्स का डिसीजन है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने वेवर्स किए हैं, उसका इमीडिएट क्वार्टर्स में हमें थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा, लेकिन जब वो गवर्नमेंट के पैसे वापस आ जाएंगे बैंक के पास तो उसका इम्पैक्ट फिर कम हो जाएगा। राइट डॉक्टर संगपुरे, जस्ट लास्ट वन क्वेश्चन, आज आरबीआई की पॉलिसी है, यहाँ पर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या ब्याज दरों को लेकर आपको उम्मीद है कि इस बार आरबीआई की पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेट्स कट करेगी, और कितनी अनुमान आप लगा रहे हैं अगर रेट कट का अनुमान लगा रहे हैं, और क्या आगे जाके आप भी आगे जाते हुए रेट कट करेंगे? पहला तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, वो बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, और जो हमारे मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है वो हम यूजुअली एक ही फैक्टर्स को लिंक करके हम वो एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करते हैं, और वो है इन्फ्लेशन रेट जी। और इन्फ्लेशन रेट को देखकर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के चांसेस है, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नॉट ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट, दूसरे वेरिएबल्स भी ध्यान में रखने पड़ते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो 25 बेसिस पॉइंट्स कम कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट अबाउट 70-80%, एंड वी स्टिल हैव डाउट्स अबाउट द कटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट
by 25 basis points in this particular announcement. Okay. Sir, एक और सवाल. कल काफी सरकारी बैंकों ने कुछ कदम उठाए हैं. SBI और BOB ने अपने डिपॉजिट दरों में कमी की है. क्या PNB की तरफ से ऐसा कुछ स्टेप गोइंग फॉरवर्ड आगे आप लेंगे? बैंक की तरफ से ऐसा कुछ स्टेप लिया जाएगा डिपॉजिट के फ्रंट पर? अभी हमने इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया है. हमारे ALCO की ALCO कमेटी की मीटिंग हमने शेड्यूल की है अगले हफ्ते में. उस पर हम पूरा डिलीबरेशन करके उसका इम्पैक्ट का असेसमेंट करके हम डिसीजन अगले हफ्ते लेने वाले हैं. राइट. थैंक्स वेरी मच डॉक्टर संगपुरे अपना समय हमें देने के लिए, खासतौर पर नतीजों की बारीकियों को समझाने के लिए भी और आउटलुक भी देने के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स एज वेल. चलिए, तो आपने सुना PNB के मैनेजमेंट को रिजल्ट्स पर बारीकियां शेयर करते हुए.